लड़की पढ़ाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, हमेशा छोटी नाम वाली लड़कियों को पटाए, जैसे कि रितु, अन्नू, नेहा, रिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि क्लास 5 में मुझे भी प्यार हुआ था एक लड़की से, और उस समय ना एक स्वैग चलता था, लड़के अपने हाथ पर नाम काट लेते थे लड़कियों को और दिखाते थे कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और लड़कियां इंप्रेस भी हो जाती थी। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मैंने भी सोचा कि मैं भी उसे इंप्रेस करता हूं, लेकिन ससुरी का नाम ही इतना बड़ा था, पुष्पांजलि, साला 11 लेटर का वर्ड था। इतना बड़ा हाथ पे नाम काटने से पहले ना सोच सोच के तो खुद का मेरा गांड फट जाता था दोस्तों। तो ध्यान रखना है आपको कि हमेशा छोटी नाम वाली लड़की को पटाए, बड़े नाम वाली लड़की से दूर रहे, जैसे कि प्रियांशी, प्रियंका, आकांक्षा, श्वेतांजलि। ऐसी लड़की अगर आपको प्यार करने के लिए बोलेगी प्रूफ करके दिखाओ कितना प्यार करते हो, हाथ काट के दिखाओ, हाथ काटने में तो आपका भी गांड फट जाएगा दोस्तों। तो ये था पहला टिप्स। दूसरा टिप्स जो मेरे से गलती हुई, हम जब प्यार करते हैं लड़कियों से होता है ना, उसे प्यार से कुछ बुलाते हैं, तो मैंने क्या किया, पुष्पांजलि का पुष लिया और इसमें वाई जोड़ दिया और प्यार से मैं उसे पुसी बुलाने लगा। और उस समय मैं क्लास 5-6 में था, मुझे पता भी नहीं था कि पुसी का मतलब वो भी होता है दोस्तों। मैं उससे जब भी मिलता था क्लास में, मैं बोलता था पुसी ने कुछ खाया, पुसी को कुछ हुआ है, पुसी को किसी चाहिए। जब मुझे पता चला ये बात तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार क्या ही हो गया था पुसी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि गर्लफ्रेंड को आप ऐसा कोई नाम ना बना दे शॉर्टकट जो कि खतरनाक हो जाए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर लव क्लास में इतना ही, दो इंपॉर्टेंट ज्ञान लेकर जाइए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे या किसी और चीज पर आपको ज्ञान देंगे। धन्यवाद दोस्तों।